बजने वाले हैं भाई, और उठ गया था मैं 6 बजे, उठा था 5 बजे भी उठा था, पर भाई अंधेरा तो करके अलार्म बंद किया और फिर सो गया। 6 बजे उठा मस्त, और आज अच्छा डिफरेंस फील हो रहा है मेरे को एकदम। 6.5-7 घंटे मस्त है, बहुत मज़ा आया आज तो, मतलब नहीं आके फील अच्छा कर रहा है शरीर की। हाँ, जो से चीज़ें करा आज तो कल नहीं हो रहा था, पहले से ही काम वेट कर रहा है हमारे लिए दोबारा। सर्दी वापस से अपने असली रूप में भाई। कल सुबह तो ठीक था, पर कल सुबह मैं लेट उठा था, लेट भी उठा था, पर हाँ सुबह का मैं बता नहीं सकता, पर 11:30-12 बजे ठीक ठाक गर्मी थी। अभी तो क्या 7 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी बता सकते हैं कि कैसा फील आएगा आज उस टाइम पे, पर ठंड अभी तो है उतनी भी नहीं, पर ठीक है। और कल सुबह का नहीं मालूम, कल सुबह से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका। कितना मस्त लग रहा है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी हेवन की ओर जा रहा हूँ, किसी हेवन नहीं, खैर हेवन तो एक ही है, बट स्टिल वैसी फील आ रही है, बहुत सही लग रहा है। उधर उस एंड से आ रहा था फिर तो और अच्छा लग रहा था, एकदम सीधा मुंह पे पड़ रही थी। अभी शायद आगे आगे आ रहा हूँ तो करके कुछ एंगल में चेंज आ रहा है, लेकिन वहाँ से तो बहुत सही लग रहा था। के भाई अपने होली ग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग पर इस टाइम पे आना एकदम सही लगता है, एकदम सही। धूप सी भी होती है और बंदों से तो कोई फ़र्क नहीं है, इकल्ले नहीं दौड़ना, कोई इकट्ठे थोड़ी दौड़ना होता अपने, पर फिर भी ये वाला टाइम बड़ा सही लगता है आने में। चलें भाई, घर 10 मिनट की ही रनिंग करी आज तो, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाया, बस इतना गोल था कि आकर कुछ कर कर चला जाऊं, क्योंकि लेट तो मैं हो गया, मतलब नहीं हुआ था पर मैं जान के हो गया, मैं कुछ और कर रहा था। बाकी शॉर्ट्स शूट्स डालने में भी टाइम लग जाता है तो करके सारा टाइम वहीं कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं लेट हुआ, नहीं तो अब तक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर लिया था अगर मैंने कुछ बीच में ना किया था। पर चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो कर ही लिया, कल करेंगे रिलैक्स। खैर कल का क्यों सोच रहा हूँ मैं, पहले आज तो पूरा कर लूँ। आ गया मैं वापस एक्सरसाइज करके, दूध दाप जाके शॉर्ट नहीं करना था ना है। नहीं अच्छा ठीक है, हेल्प करनी आप किस चीज़ में हेल्प करनी है? बोले तो मस्ती मारी आया बटेरी फेंक के तो देखो दूर से, बास्केट करके देखो, भुट्टा के जड़े में लगा रखा। आपकी वोट नहीं बना रहा, अपनी बना रहा हूँ, खुद के ऊपर रखा हुआ मैंने। मुझे कल दाढ़ी बनाऊंगा फिर बनाएंगे बना देंगे एक छैल सी फोटो बनाइए। छैल सी? हाँ छैल का मतलब समझा दो, मतलब बढ़िया सी, सुंदर, हैंडसम। हाँ पहाड़ी में अच्छे को क्या छैल बोल, छैल 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 CHAL, वो तो चल हो गया, CHAYAL कुछ ऐसे करके समझ लो पर बहुत ही बाबू बाबू, हाँ वो आसान है समझना, बाबू बाबू क्या चाय सही नहीं बनी आज? आज थोड़ी सी मतलब उसमें फ्लेवर नहीं आ रहा वो वाला कल वाला, पता नहीं काढ़ी तो थी मैंने, तो फिर पत्ती कम डली होगी, पत्ती शायद। हाँ, जो जब वो नेट से मतलब छन्नी से निकला तो पत्ती थोड़ी कम थी कल के मुकाबले, कल के मुकाबले। ये चीटिंग है? चीटिंग क्या है? आपको पछती तो है नहीं ज्यादा, टॉर्चरिंग मी टॉर्चरिंग मी कहाँ से? डोंट डू ऑल दिस डोंट डू ऑल दिस पता, बढ़िया तो बनाई है, कल और पा देंगे वो पत्ती, थोड़ा सा उसको नाप के रख लेना। स्केलेट ऑन द स्पून, स्पून मैं तो चम्मच की पिछली साइड से डालता हूँ ना, पहले इतना स्ट्रेच फिर इतना स्ट्रेच कुछ ऐसे करके सारे चलना होता है। ये तो है नहीं, पर अमेरिकन टी यानी जुगाड़ सही मिल गया आपका, वेट और ड्रॉप कर गया ना आपका पापा का 96.5। ओ सॉरी कौन से लाए थे? ओ सॉरी 115 kg से कहाँ? हाँ 96 हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के कहाँ पेट्रियोटिज्म जोड़ दिया इसके साथ है, वेट के साथ जोड़ दिया कि करते रहोगे मेहनत, किसी चीज में भी करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा जब आपका वेट 90 किलो हो जाएगा फिर आप क्या करोगे? 90 तो फिर तो मैं योगिक वाली सिचुएशन में आ जाऊंगा फिर से, 95 पे तो मैं करता ही था योगा। अच्छा 95 पे आप अभी हो? 95 पे तो अच्छा ही होगा आप, लेकिन आप मेरे को थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम आ गई ना, इसको लाऊंगा क्या बोलते हैं, अभी अगला टारगेट है 90 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है क्या बोलते है 85 तो चाहिए भी आपको,
थोड़ी डाइल्यूटेड है ना चाय डाइल्यूटेड है और अंग्रेजी बढ़िया आ रही है बताओ। मूड हुआ तो चावल खाऊंगा साथ में। तो नहीं खाऊंगा। अच्छा सिर्फ छोले है नहीं, वेट कम करने की अब इच्छा जागरूक हो गई है बहुत ज्यादा। नहीं पर जागरूकता होगी। 12:20 और नाश्ता अभी करके हटा हूँ मैं और अब लंच बनाने जा रहा हूँ। भाई कोई टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब सही में पता ही नहीं लगता कि टाइम गया कहाँ। कुछ करना चाहो तो उसके लिए हमेशा लेट ही हो जाते हैं। अब आज मेरा सच्ची बहुत ज़्यादा मन है खेलने का पर मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊँगा, इसीलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कहीं पर। अभी मैं घर रह कर रोटी बना लेता हूँ फटाफट, उसके बाद जाऊँगा खेलने। होप सो सैटरडे आज मस्त एक्शन होगा खेलने वाली जगह पर, तो मज़ा ही आ जाएगा, इसीलिए अभी खाना बना लेना समझदारी है ना। आप ही को लगाना पड़ेगा और कभी पड़ेगा आग फटाई थी नहीं मुझे तो बनाई चलो सूरदास वो जाना कौन सूरदास रोटी खा के करते हैं ये काम। अरे एक मिनट लगेगा यार रोटी खा के करते हैं। एक मिनट करते करते 15 मिनट लगा दिए, अभी एक घंटा भी लगा दो किसी में तेरे को ओह घंटा लेट आ गए। अलाइनमेंट आउट थी किसकी नट की? हाँ थोड़ा वो प्रॉपर नहीं था ना, किड्डा लगा हुआ था पेज। अच्छा अगर क्रॉस थ्रेडिंग हो जाएगी ना फिर तो हाँ चढ़ेगा नहीं। मेरी हाइट का डिसएडवांटेज हुआ ये तो लगा तो देता मैं नेट पर, हाइट ही नहीं है मेरी उतनी तो मैं कहाँ से लगा दूँ, ऊंचा ही नहीं जाता मेरे से। सब कुछ ही लगा देता है हाँ जो मेरे बस में हो। तू फास्ट एंड फ्यूरियस है भाई। दोबारा से बाहर खाने के लिए चीज लेने जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा हूँ, खेलने इसके बाद जाऊँगा। और अभी भी मैं ऑन टाइम हूँ, मतलब लेट तो नहीं हुआ बिल्कुल भी, मतलब कि क्या 3 बजने वाले हैं, तो उम्मीद है अभी खाने के लिए जो चीज़ लेके आऊँगा वो खा के थोड़ा बहुत बर्तन धो के मैं ठीक टाइम पर पहुँच जाऊँगा खेलने, उम्मीद तो यही है, बाकी देखना क्या होगा। मौसम बहुत मस्त है, कल तो अजीब तरीके की गर्मी भी थी सर्दी भी थी, मतलब कुछ समझ से ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कि मौसम जा क्या रहा, ऐसा लग रहा था कि हमारा दम घोटना चाह रहा हो, आज जैसा फ्रेशनिंग नहीं रहा था। कोई सुस्ती नहीं है, आप सारी रख दो बाद में धो दूंगा, यानी कि अभी कर अभी कर अभी करके होगा क्या, प्रायोरिटाइज आप बर्तन धोने को क्यों कर रहा है, बर्तन धो खा ले फिर पट्टी खा तो नहीं और कितने तो टाइम है आज पे है ना। नहीं मैं मतलब मैं बर्तन धोना क्यों प्रायोरिटाइज कर रहा है, अभी कोई लोड है कुछ उसकी, खा तो भी है अभी हमारे ही जूठे हैं हमारे अलावा किसी ने यूज करना है उसे, फिर पेंडिंग हो जाता है कपड़े देख के कितने पेंडिंग हो गए थे सुबह पता चल रहा था फिर। वो तो बर्तन और कपड़े में फर्क है, बर्तन तो फटाफट धुल जाता है, कपड़े तो चलो मान लिया लगता टाइम पेंडिंग धुल जाता है, बर्तन में भर के तो धो रहे हम। अरे यार बड़ी एमी फालतू टेंशन नहीं लेते पापा, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, हो गया सरप्राइज मिला ये तो। हर सैटरडे तो भरी हुई होती है पिच, लेट तो नहीं है मैं आया बिल्कुल भी, इतना तो श्योर है लेट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, और पूरा ही ग्राउंड भरा होता है भाई सैटरडे, आज क्या हो गया लोगों को, कोई नहीं आ रहा आज खेलने, मैं तो बड़ी उम्मीद लगा कर आया था, वहाँ पर तो अपना मैच चल रहा है लोगों का और पीछे तो सारा देख लिया, सेकेंड हाफ में भी देखाते हैं शायद कुछ हो, शायद मुझे उम्मीद है थोड़ी सी, पर बच्चे खेल रहे हैं यार क्या हो गया सैटरडे आज, मतलब यहाँ पे ना खुशी खुशी होकर कहते हैं लोग कि सैटरडे और संडे को खेल लेंगे सबके, पर सैटरडे को तो खाली पड़ा है मैदान। हाँ भाई खाली पड़ा है, कोई नहीं खेल रहा क्रिकेट। वाह नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के गांव गधौली में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा स्वागत किया, और कहीं जगह मिल भी नहीं रही थी मुझे जाने को। लेट्स गो टेक अ लेफ्ट, ऑफ रोड नहीं करूँगा मैं, ऑफ रोड नहीं करूँगा मैं, बाल थोड़े बहुत साफ है मेरे को लगता है इस हफ्ते ज़्यादा गंदे हुए नहीं इसलिए मेरा जाने को मन नहीं है, और वैसे भी अगर चला गया तो पापा फिर पीछे पड़ जाएंगे, फिर तू ऑफ रोड करने चला गया, एक तो पहली तेरी साइकिल इतनी पुरानी है, ऊपर से पता नहीं और क्या टूट सकता है, मतलब कुछ पता नहीं है, पुरानी तो है ही क्योंकि, इसीलिए पक्के वाले रास्ते पर ही जा रहा हूँ मैं आज भी।
पक्की रोड और ये वाला नज़ारा जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, पर हमारे को अलाउड नहीं है। अलाउड होगा कहाँ से, एकेडमी है। और ये वाला ग्राउंड कभी फ्री भी नहीं होता, पर लेकिन यहाँ खेलने का तो भाई बहुत मज़ा आएगा। पर फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर रोड। मैं बहुत लकी हूँ कि अभी पीछे से कोई हैवी व्हीकल नहीं आ रहा। ये तो इतनी बुरी हालत होनी थी ना इस रोड पर मेरी, मतलब समझ ही रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। सारा सर मिट्टी से भर जाता, शरीर भी भरी जाता, कपड़े कपड़े सब मिट्टी से भर जाते। आज ही निकाले थे नवे नवे धो के, मतलब कपड़े नवे नहीं धो के आज निकाले थे, वो कह रहा हूँ। बच गया, थैंक गॉड। बहुत इंटेंस होता है भाई यहाँ पर जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो ना ऐसी बातें लंबी खींच रहे हो, लंबी नहीं है। कभी इस एरिया में से निकल के देखना अगर कभी घर से बाहर निकलते हो तो। अब जैसे मिट्टी यहाँ साइड में और ये गाड़ी मिट्टी उड़ा के गई है मस्त, सोचो अगर वहीं पे पीछे होता तो कितनी बुरी हालत होती। ये एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा था, इसे देख कर तो समझ आ ही गया होगा। और भाई ये दड़वा भी आ गया इतनी जल्दी, और ये साइड में इतनी सही सी लोकेशन किसने बनाई है भाई, मतलब बहुत सही लग रही है ये। पता नहीं तुम्हें झाड़ियों में से दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, लेकिन साइडों से देखो तो बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा। ओ ये रास्ता कहीं नीचे ही तो नहीं जाता, आज तो इसी रास्ते पर चल कर देखते हैं। चलो भाई चलें, फाउंड अ न्यू ट्रैक टुडे, देखते हैं कैसा होगा ये। ओए इधर कैसे चलेगी भाई साइकिल, मतलब उतारनी तो आसान है, वापस कैसे चढ़ाएंगे, वापस चढ़ाना तो बहुत ही अनरियल है। मतलब वापस चढ़ जाएगी पर साथ साथ व्लॉग कैसे करेंगे भाई, इट्स अनरियल। ओए भाई 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 आराम से यार, मतलब मिट्टी को कह रहा हूँ कि मिट्टी डोंट बी सो हार्ड ऑन मी। मुंह पे जाला आ गया, अरे फंस गया भाई मैं, फंस गया। बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये तो, ओ बोए अब तो मुझे पैदल ही उतरना पड़ेगा। ये देख रहे हो कैसी साइकिल ने हालत कर दी है इसके ऊपर चल के, मुश्किल है इसके ऊपर तो चलना बहुत, साइकिल को भी चलाना बहुत। और बस मेन गोल अब यही है कि जूते में ना मिट्टी घुस जाए। अरे चल ले भाई तू तो चल ले। ऑलराइट लेट्स गो, इजी इजी, बहुत बढ़िया। भाई ये जगह तो आउट ऑफ रीच सी है थोड़ी, कैसे जाएं कैसे जाएं, बहुत ही मुश्किल एरिया है भाई ये, बहुत ज़्यादा। इतनी मिट्टी मैंने किसी एरिया में नहीं देखी आज तक अपने घर के पास, मतलब इतना जो फ्लैट एरिया है। मुझे तो लगता थोड़ा बहुत और साइकिल को मैं गाड़ दूँ ना यहाँ सही से, तो स्टैंड लगाने की लोड नहीं है, ऐसी खड़ी हो जाएगी। ये है जगह भाई, पर ऐसा लग रहा है किसी जंगल जंगल में आ गए, जंगल नहीं है बस यहीं से थोड़ा सा मिट्टी वाला एरिया चढ़ो और मेन रोड पर पहुंच जाओगे। पर चलो ठीक है, शांति के लिए तो बहुत सही एरिया है ये भी, मतलब अगर शांति एक्सपीरियंस करनी हो। ये भी एक ये रास्ता मिल गया, इधर भी देखाते हैं क्या कुछ है। मेरे को लग तो नहीं रहा कि कुछ खास होगा, बट रास्ता थोड़ा सा ठीक है ये वाला, कम मिट्टी है इसके ऊपर पर चलानी फिर भी मुश्किल है क्योंकि उतनी कम भी नहीं है। अरे भाई 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 ओ भाई, वी फेल डाउन अगेन। बहुत ही मुश्किल रास्ता है भाई, मुश्किल। ओए चल जा, आ जा प्लेन, आ गया, लेट्स गो। कहाँ जाता होगा भाई ये, ऐसे खेतों को तो मैं ख़त्म होता होगा ये रास्ता भी मेरे हिसाब से तो। ओ तेरे, यहाँ पर भी है जगह, तू तो खड़ी हो जा, अभी भी होगी, थैंक गॉड। इंटेंस इंटेंस रोड, इंटेंस रोड, ओ माय गॉड, ओ बॉय ओ बॉय ओ, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रोड है भाई यहाँ पर तो ये। चलो चलो चलो, चलते रहो आराम से चलना, लेकिन गिरना नहीं है अपने को क्योंकि घर भी पहुँचना है हमने। वाव ये तालाब तलूब है क्या यहाँ पे, ये लग तो कुछ वैसे ही है, बतके बुतके दिख रही है मेरे को, ऐसी जगह पे तो भाई कभी नहीं आया मैं। ये तालाब है या फिर किसी जगह पर कुछ गंद इकट्ठा हो गया वो है, मेरे को तो कुछ वैसा ही लग रहा है। कुछ जगह पे बारिश हुई होगी अच्छे से और एकदम मस्त फिर गंद इकट्ठा हो गया। ओ तेरे वाव, हाँ ओए थोड़ा सा गहरा भी है ये तो, यहाँ पे घास घूस दिख रही है मेरे को, इसमें शायद आदमी तैरना चाहे तो तैर सकता है पर कोई तैरना नहीं चाहेगा क्योंकि गंदा तो बहुत ज़्यादा है ये मेरे हिसाब से तो। पता चले गटर वाला ही पानी हो, नहीं गटर वाला पानी तो नहीं हो सकता यार,
आसपास बिल्कुल खेतों से सराउंडेड है, होना तो नहीं चाहिए। चलो भाई लेट्स हेड बैक टू आवर डेस्टिनेशन। बाकी तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं ये रोड कितना इंटेंस है यहाँ पर, क्योंकि दिखाना बनता भी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है। किसी को ज़बरदस्त एडवेंचर करना हो ऑफ रोडिंग वगैरह वाला ना, तो भाई मज़ा आ जाएगा। इधर ज़रूर आना अपनी ऑफ रोड व्हीकल लेके, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें यहाँ उसे चलाने में। रास्ता नहीं होगा तो, रास्ता मतलब पता नहीं होगा तो वीडियो में देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता फॉलो करता जा रहा हूँ तो मैं सब दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ मुड़ना है और किधर ऑफ रोडिंग करनी है। इसलिए वर्थ है इस जगह पर आके एडवेंचर करना। इस रास्ते को दोबारा दिखाना बनता है भाई, इंटेंस इतना ज़्यादा है ना, मतलब जूते की हालत तो ठीक ही लग रही है पर पैदल भी चलने में मुश्किल हो रहा, इतना ज़्यादा इंटेंस है। मेन प्रॉब्लम यही है बस, जूते में ना मिट्टी घुस जाए। घुसी तो होगी, घुसने से कौन रोक सकता है, इतनी छोटी सी तो है मिट्टी, पार्टिकल्स भी इतने छोटे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लिविंग चीज़ है, मना कर दो तो रुक जाएगी। लिविंग चीज़ भी वैसे कौन सा रुकती है मना करने से, पर फिर भी बहुत इंटेंस है। किसी ने अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी हो ना, मी इंक्लूडेड, इस एरिया में आ सकता है भाई, इस पर रनिंग करना, फिर पता लगेगा कितना जोर लगेगा। अभी पैदल चल रहा हूँ, पता लग रहा है कि कितना जोर लग रहा है, फील आ रही है पूरा जोर लगाने की। इंटेंस भाई इंटेंस, खेल के जैसे पसीने आते हैं ना, वैसे पसीने आ गए। बहुत इंटेंस रास्ता था, साइकिल तो बिल्कुल नहीं चल सकती इसके ऊपर, आराम से कह सकता हूँ ये तो मैं। मतलब गियर वाली भी ले आओ और मोटर टायर वाली भी ले आओ ना, तब भी कम पॉसिबिलिटी है, पर मैंने कभी चलाई भी नहीं है तो मेरे को आइडिया भी नहीं है इतना। पर सिंपल साइकिल पे बहुत इंटेंस रास्ता है भाई, बहुत ज़्यादा।